रेहान भी ना पता नहीं कहाँ रह गए, आ जाना चाहिए तब तक तो। कैसे प्यार से खीर बनाई है मैंने, तुम यहां क्या कर रही हो? क्यों, आप किसी और को एक्सपेक्ट कर रहे थे? वेल, रेहान, मैं आपको बता दूं, बहुत अच्छा जोक भी कोई बार बार सुनाता है ना तो मैं बोर हो जाती हूँ। फिलहाल मैं बोर होने के मूड में नहीं हूँ। ये कहाँ जा रही है, तो ये आहिल भी अभी तक क्यों नहीं आया? इसके पहले कि सनम यहाँ से जाए, आहिल को यहाँ आ जाना चाहिए। हमारी सांसें एक बार मिलती हैं और दिल भी एक बार, और हम इश्क एक बार ही करते हैं। ना तो तुम्हारे पहले कोई थी और अब ना तुम्हारे बाद कोई मेरी जिंदगी में आई। तुमने मुझे मोहब्बत पर यकीन करना सिखाया और मेरी आखिरी सांस हो तुम तो मेरी जिंदगी में हमेशा रहो। आई लव यू सुनहरी। हम क्या कर रहे हैं ये मत देखो गजारा, तुम लोग तो बस ये देखना कि आहिल क्या करेगा जब वो इन दोनों को एक साथ देखेगा। बस आते ही होंगे, मैं खीर ले आती हूँ। आहिल अभी तक आया क्यों नहीं? तो मैं जान देख कर रहा हूँ कि वो कहाँ जा। जी जी जी। अरे अरे। बेगम साहब। हाँ। आहिल 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 आ गया। हुई ना बात, आप देखो सनम तुम्हारा क्या होता है। 5, 4, 3, 2 and 1
आया। हया क्या हुआ? हया 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 क्या हो गया? क्या हुआ? क्या हो गया? क्या हुआ? फैज, वो वहां था, मैंने फैज को देखा, फैज वापस आया था। कोई नहीं, कोई नहीं, वहां पे कोई घबरा, कोई नहीं। नई सनम यहाँ क्या कर रही है? इसे तो हमने कहा था कि पीछे लॉन में इंतजार करे आहिल का। बेगम सेवा, चांद आहिल, प्लीज एक बार मुड़कर तो देखो, जैसे तुम्हारी प्यारी सनम किसी और की मोहब्बत में खोई हुई है। या अल्लाह, देखो। मैं जानती थी आप अपनी मोहब्बत से नजरें नहीं फेर सकते। मेरा दिल जानता था कि आप जरूर आएंगे। वो मैं तुम्हारे लिए नहीं आया था। मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपके यहाँ आने की क्या वजह है। मुझे इस बात से फर्क पड़ता है कि आप इस वक्त मेरी आंखों के सामने खड़े हैं। मुझे इस बात से फर्क पड़ता है कि आज नीले चांद की रात है और मैंने आपके लिए खीर बनाई है जो मैं आपको खिला के रहूंगी। मुझे इस बात से फर्क पड़ता है आहिल कि हम दोनों का एक साथ यहाँ होना इस बात का गवाह है कि अल्लाह को हमारा रिश्ता कबूल है। क्या कर रहे हैं ये लोग? अब देखती रहोगी या खीर भी खिलाने का इरादा है? पहले आपने चांद, चांद से भी लड़ना पड़ेगा। इंसान का सही वक्त पर सही जगह होना बहुत जरूरी है। वक्त भी सही है, जगह भी सही है, सब कुछ सामने होते हुए भी आहिल कुछ देख क्यों नहीं पा रहा? ये कौन है? ये सनम वहां है, ये नई सनम वहां पर है, तो ये लड़की कौन है?
रात वो ऐसे ही था, मेरा यकीन कीजिए वो ऐसे ही था। मुझे बचा लीजिए, वो मुझे मार डालेगा। आप कुछ कह क्यों नहीं रहे? आपको मेरा यकीन नहीं हो रहा ना राहत? राहत मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ, फैज जिंदा है और यहाँ से खीर भी खाई। प्लीज आप समझने की कोशिश कीजिए, प्लीज। मैं जानता हूँ, मैं जानता हूँ कि तुम सही कह रही हो। इंस्पेक्टर साहब का फोन आया था, उन्होंने बताया कि फार्म हाउस पर जो लाश मिली थी वो फैज की नहीं थी, किसी और की थी। मतलब फैज जिंदा है। अगर तुम मुझसे इतनी ही मोहब्बत करती हो, अगर तुम सच में यही चाहती हो कि हमारा साथ उम्र भर का हो, तो तुम आखिर इस साथ को छोड़कर गई ही क्यों थी? मैंने अपने हाथ की लकीरें भी तुम्हारे नाम कर दी थी, फिर तुम मेरे हाथ को छोड़कर क्यों गई थी? अगर आपने कभी भी मुझसे मोहब्बत की थी तो क्या कर रही हो राहत? आप खड़े क्यों हैं? आप जल्दी से जाइए, बाकी खिड़की दरवाजे बंद कीजिए, वरना फैज आ जाएगा, वो मुझे मार डालेगा। वो अच्छे से जानता है कि मैंने उसको मारने की कोशिश की थी, वो मुझे मार डालेगा, वो मुझसे अपना बदला जरूर लेने आएगा। कुछ कीजिए, आप जल्दी जाइए ना, सुन क्यों नहीं रहे, समझ क्यों नहीं रहे? मुझे बचा लीजिए प्लीज।
खेल तो अभी शुरू हुआ। मजा आएगा तेरे साथ खेलने में, मजा आएगा क्योंकि मुझे भी ना लोगों को उनकी असली औकात दिखाने में बहुत मजा आता है। सनम की लाश उसके कब्र में थी। अगर सनम कब्र में है तो फिर उसकी आवाज हमें यहाँ कैसे सुनाई दे रही है? और अगर वो यहाँ है तो फिर कब्र में कौन है? लेकिन हमने तो उसकी आवाज सुनी थी, वो वहीं पर थी और उसने तो हमें धक्का भी मारा था। अम्मी आपको गलत फहमी हुई है, अम्मी सनम वहां पर नहीं, सनम वहां नीचे खड़ी है। लेकिन सनम एक ही वक्त पे दो दो जगह कैसे हो सकती है? इसका मतलब है जोया और रसद की दोनों जुड़वा बेटियां जिंदा है, सनम और सहर। मेरी तो ये सोचकर जान निकली जा रही है कि पहले तो एक ही वो थी, अब दो 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 वो है। ब्यूटी, अरे ब्यूटी नहीं, दुश्मन, दुश्मन। सनम अकेली दुश्मन क्या कम थी कि अब ये दुश्मन बढ़े जा रहे हैं, बढ़े जा रहे हैं। जिन्हें हम आज तक मरा हुआ समझते हैं, असद और जोया की दोनों जुड़वा बेटियां जिंदा। वाह अल्लाह, तेरा करिश्मा भी खूब है। खूब है। ये तो गॉड, अब इतने सदमे में इंसान कर भी क्या सकता है? गजाला ये सदमा नहीं है, खुशखबरी। बेगम साहिबा, मैं कुछ समझी नहीं। इस वक्त तुम कुछ ना समझो तो ही अच्छा है गजाला, तुम लोगों को समझने की कोई जरूरत नहीं। बस एक बात याद रखना, किसी को कानो कान खबर नहीं होनी चाहिए कि सनम की कोई हमशक्ल भी है। okay. और इस लड़की का काला चिट्ठा हमें चाहिए, ये क्या करती है, कहाँ रहती थी, सब कुछ। समझ गए? जी बेगम साहब। हाँ तो जाओ ना। तुम्हें खेल खेलने का बहुत शौक है ना सनम, तो खेल तो अब शुरू होगा। तुम दोनों बहनों ने मिलकर हमें बहुत मात दी है ना, अब देखना हम क्या करते हैं। पर इस खेल में तुमने एक बहुत बड़ी गलती कर दी सनम, कि तुमने अपनी जुड़वा बहन का सहारा लिया। लेकिन अब देखना हम कैसे तुम्हारी बहन को अपने हाथों का मोहरा बनाकर तुम्हारे खिलाफ इस्तेमाल करें। और जब तुम्हारी बहन तुम्हारे सीने पर खंजर ठोकेगी ना, तब तुम्हारे दिल में ना जीने की चाहत रहेगी और ना ही हिम्मत। इससे पहले हमें ये पता लगाना होगा कि तुम दोनों में असली सनम कौन है और जुड़वा कौन।